राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बालक के बनास नदी में डूबने की सूचना मिल रही है। खबर फैलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। कांकरोली पुलिस ने गोताखोरों को भी बुलवाया है। कांकरोली थाने के बनास भाटोली पुलिया की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां राजसमंद में बालक के बनास नदी में डूबने की सूचना मिली है। खबर फैलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा है। इधर कांकरोली पुलिस ने गोताखोरों को फिलहाल बुलवाया है। कांकरोली थाने के बनास भाटोली पुलिया की घटना है। सहयोगी आनंद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद, ये बालक के बनास नदी में डूबने की सूचना सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? राजसमंद जिला मुख्यालय के पास भाटोली पुलिया के पास बनास नदी में एक 8 वर्षीय बालक के डूबने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया और गोताखोर अभी नदी में बच्चे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी बच्चा मिला नहीं है। जी तो फिलहाल क्या कह रहे हैं गोताखोर और पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, कितनी देर में बच्चे को ढूंढ लिया जाएगा? जिस प्रकार गोताखोरों का कहना है कि नदी का पेटा बहुत गहरा है और वो चारों ओर बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समय लग सकता है। बालक को ढूंढने का सभी प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बनास नदी में बालक के डूबने की सूचना है, बालक की तस्वीर भी आपने टीवी स्क्रीन पर देखी, फिलहाल उसको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं।